कांग्रेस पर पीएम मोदी का आरोप, कहा देश की सुरक्षा को बनाया कमाई का साधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के उद्घाटन के समय देश की सुरक्षा और शहीदों के सम्मान के साथ समझौता करने के लिए कांग्रेस और विशेषकर गांधी परिवार की उल्लंघना करते हुए लगाए कई आरोप। रक्षा सौदों में दलाली का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा नेतृत्व वाली सरकार का अंतर फैमिली फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट का अंतर है। पीएम ने कहा कि बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर तक हर रक्षा सौदे में घोटाले की जांच एक ही परिवार तक क्यों पहुंचती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यही लोग भारत में राफेल को आने से रोकने के प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की सरकार के दौरान जवानों की जरूरतों और शहीदों के सम्मान के अनदेखी को आपराधिक बताते हुए मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी के लिए यह जानना जरूरी है। गांधी परिवार पर खुद को भारत का भाग्य विधाता समझने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सेना और देश की सुरक्षा को उन लोगों ने अपनी कमाई का साधन बना लिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग राफेल को भारत में नहीं आने देने के लिए हर तरह की साजिश में जुटे हैं, लेकिन अगले कुछ महीने में पहला राफेल भारत के आकाश में उड़ान भरकर इनकी सारी कोशिशों नाकाम कर देगा। सूत्रों के अनुसार मोदी ने बताया कि 2009 में सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी, लेकिन 2014 तक इसे नहीं खरीदा गया। हमारी सरकार ने 4.5 सालों में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे हैं। उन्होंने जवानों को सुरक्षा कवच से वंचित रखने को पाप बताते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के साथ भी आपराधिक लापरवाही बरती गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित को नजरअंदाज करते हुए जो फैसले कई दशकों से रुके हुए थे, उन्हें अब एक के बाद प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। खुद को प्रधान सेवक बताते हुए उन्होंने कहा कि मोदी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस देश की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास सबसे ऊपर है। मोदी याद रहे ना रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों का त्याग, तपस्या, समर्पण, वीरता और उनकी शौर्य गाथा अमर रहनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के दौरान सैनिकों के कल्याण के लिए जो किया उसको भी बताया। वन रैंक वन पेंशन का हवाला देते हुए कहा कि इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमारी सरकार ने न सिर्फ लागू किया बल्कि अभी तक 35,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिससे सरकार का पेंशन बजट 44,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,12,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इससे सैनिकों के पेंशन में 40% बढ़ी है। मौजूदा सैनिकों का वेतन भी 2014 की तुलना में 55% बढ़ोतरी हुई है। अब यह पेंशन सीमा पर तैनाती के दौरान प्राकृतिक आपदा के शिकार सैनिकों और उनके परिवार को भी मिलेगा। इस दौरान उन्होंने सैनिकों के लिए 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा की।